वेलकम बैक टू एग्जॉन क्लासेस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैरायटी ऑफ़ द लाइफ फॉर्म्स जैसे कि हम सभी जानते हैं या फिर जैसे भी हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो उस वैरायटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर्टिकुलरली अपने आस पास ही देखें तो आप क्या देखेंगे पोटेड प्लांट हो सकता है ठीक है और कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं आपने जो घर में पेट पाल रखे हैं वो हो सकते हैं या फिर अदर प्लांट्स हो सकते हैं एंड एनिमल्स हो सकते हैं तो ये सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ हैं जो आप अपने सराउंडिंग के अंदर देखते हैं इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली बायोडावर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी और जो टोटल एस्टिमेशन है बायोडाइवर्सिटी का है, वो अप्रॉक्सीमेटली है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ये ध्यान रखना यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही स्पीशीज़ की बात हो रही है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करेंगे फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हमने देखा था हमने क्या देखा था हमने इस केस में अपने लोकल सराउंडिंग को ही कंसिडर किया था सिर्फ उस सराउंडिंग के अंदर भी सपोज़ हमने क्या क्या देख लिया पोटेड प्लांट्स देखा इंसेक्ट प्लांट्स एनिमल एंड पेट्स इसके अंदर देखा सिर्फ इतने ही ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिले और साथ ही साथ हम उन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ भी कंसिडर लेते हैं जिन्हें हम नेग्ड आई से देख नहीं पाते से फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया ठीक है तो मान के चलो जब आपने इस छोटे से एरिया पे आपने रिसर्च कंडक्ट करवाया तो आपको इतनी वैरायटी देखने को मिली लेकिन फर्दर अगर आप इस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे यानी आपका रिसर्च एरिया या फिर एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ क्या होगी अदर वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स भी मिलेंगे यानी हर बार जब आप नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे या फिर ओल्ड एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे जो कि ऑलरेडी रिसर्च जहाँ पे कैरिड आउट हो चुकी है अगर उसको भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो भी वहाँ कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि आप नए नए ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते रहें ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ हमने इतने इतना देख लिया कि बायोडावर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है टोटल जो बायोडाइवर्सिटी अभी तक जिसको आइडेंटिफाई किया गया है उसका नंबर है अप्रोक्सीमेट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नॉमन क्लेचर नॉमन का सिंपल मतलब है नेमिंग ठीक है किसी भी चीज़ की नेमिंग अगर हम करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे नॉमन क्लेचर अब नेमिंग करने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि चलो आप कंसिडर करके चलो लोकल नेम फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म को अपने स्टेट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडरेशन में लें दैट इज़ रोज़ का एग्जांपल लें ठीक है तो रोज़ को हिंदी में हम क्या कहते हैं गुलाब बांग्ला में कहते हैं गोलाब एंड तमिल में कहते हैं रोज़ापो ठीक है जब एक ही चीज़ है जबकि चीज़ क्या है हमारे पास सिर्फ एक है दैट इज़ रोज़ प्लांट या फिर रोज़ उसके भी हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स को हमने देख लिया अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में या फिर साइंटिफिक तरीके से बात करें तो उस केस में क्या होगा कि सपोज करो कि ये हिंदी का कोई एक साइंटिस्ट है वो गुलाब कहता है तमिल का साइंटिस्ट है वो रोज़ापो कहता है तो आपस में ये दो साइंटिस्ट हैं सपोज ए एंड बी जब ये आपस में बात करेंगे तो ये रोज़ापो बोलेगा रोज़ को और ये हिंदी वाला जो पर्सन है रोज़ को गुलाब बोलेगा तो ये आपस में भी कम्युनिकेट एक बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे इसीलिए एक प्रोसीजर सेट किया गया कि जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं या फिर जितनी भी स्पीशीज़ जो भी डिस्कवर्ड की गई हैं या फिर जो इन फ्यूचर करी जा रही हैं उनका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देना चाहिए हमें ताकि एक उसी साइंटिफिक नेम से वही स्पीशीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड जानी जाए तो उसके लिए हमने क्या कंसिड्रेशन में लिया प्रोसेस किसका नॉमन क्लेचर का एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं इसी के इसी के रेफरेंस में जैसे रोज़ जैसे कि एक पर्सन मान के चलो हम सब के फेवरेट पर्सन हैं सपोज पी ठीक है P, उन पी पर्सन को तीन डिफरेंट नेम से जाना जाता है फॉर एग्जाम्पल उनके पेरेंट्स उन्हें एक्स के नाम से बुलाते हैं ठीक है उनके फ्रेंड्स जो हैं उन्हें Y के नाम से बुलाते हैं और उनके जो टीचर्स हैं वो उन्हें Z के नाम से बुलाते हैं अब एक दूसरे स्टेट से एक और साइंटिस्ट आते हैं या फिर एक और पर्सन आते हैं उनका नाम है हमारा A अब ये A पर्सन जो है इस P के पेरेंट्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें Y के बारे में बताओ तो उसके पेरेंट्स क्या बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस पी पर्सन को इसके पेरेंट्स एक्स के नाम से बुलाते हैं घर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ये घर पे जाके पूछेंगे कि ये वाई का घर है क्या ये वाई पर्सन का घर है क्या पेरेंट्स क्या हो जाएंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर समझ नहीं पाएंगे कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं जब यही ए पर्सन इन पी के फ्रेंड्स के पास जाते हैं इनसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट एक्स तो इनके फ्रेंड्स क्या होंगे रेस्पॉन्स नहीं करेंगे यहाँ वाई के नाम से इन्हें पेरेंट्स ने पेरेंट नहीं पहचाना था सेम सेम केस है जब ये ए पर्सन इनके टीचर्स के बारे में जाते हैं और पूछते हैं कि टेल मी अबाउट एक्स तो इनके टीचर्स भी रिस्पोंड नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार ये पर्सन पूछ किस बारे में रहे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है कि इस केस के अंदर ये जो जेड है वाई है x है ये सिर्फ x इसके पेरेंट्स को नाम पता है y इसके फ्रेंड्स को नाम पता है और z जो नाम है इसके सिर्फ टीचर्स को पता है से फॉर एग्जांपल तो जब अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि जब इस इस जो ए पर्सन जो आए थे इनको कहीं भी किसी भी तरीके से इन p के बारे में कोई भी साइंटिफिक या फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिली लेकिन जब इन्हीं ए पर्सन ने इन सब से पूछा कि टेल मी अबाउट p टेल मी अबाउट पी क्या है इनके पेरेंट्स ने क्या कहा कि पी हमारा बच्चा है जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं सिमिलरली इनके इनके फ्रेंड्स ने क्या कहा कि पी हमारा फ्रेंड है जिसे हम वाई के नाम से जानते हैं सिमिलरली इसके टीचर्स ने इन्हें क्या कहा कि पी जो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं और हम उन्हें Z के नाम से जानते हैं तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मान लो अगर किसी भी चीज़ की हमने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है या फिर हमने किसी के साथ डिस्कशन करना है तो एक पर्टिकुलर नेम इस पर्सन का था जो कि ऑफिशियल नेम था ऑफिशियल नेम इनका क्या था पी था और जब इस ए पर्सन ने इन सभी से आके ऑफिशियल नेम पूछा तब इन सब ने बता दिया कि हाँ ये हम इस पी पर्सन को जानते हैं जिनका ऑफिशियल नेम पी है लेकिन हम उन्हें लोकल नेम से या फिर डिफरेंट डिफरेंट अपने पर्सनलाइज नेम से जानते हैं तो ये इश्यू निकल के आया था जब सेम ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नेम देने का प्रयास किया गया या फिर साइंटिफिक नेम्स दिए गए ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर नेम से थ्रू आउट द वर्ल्ड जाना जाए अब सीधी सी बात है जब साइंटिफिक नेम दिया गया है तो कुछ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करके जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे इन द प्रोसेस ऑफ नॉमन क्लेचर साइंटिफिक नेम्स इसी बेसिस पे दिए गए हैं नेमिंग करने से पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाए उसके बाद उसकी नेमिंग दी जाए ताकि उसका नेम भी रिफ्लेक्ट कर सके कुछ उसके फीचर्स को ठीक है तो हमने ये देख लिया कि साइंटिफिक नेम है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन या फिर एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा ही करेगा ठीक है उसके बाद जो अथॉरिटीज़ जो बनी जो इनके नाम नेमिंग को चेक करेगा कि एक एक साइंटिफिक नेम एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाए और वही वर्ल्ड वाइड जाना जाए उस चीज़ के लिए कुछ अथॉरिटीज़ बनी डेट इज़ आई सी बी एन एंड आई सी जेड एन आई सी बी एन का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोम क्लेचर जो कि प्लांट से रिलेटेड नेम्स की नेम्स को रेगुलेट करेगा ठीक है एंड आई सी जेड एन रेगुलेट करेगा एनिमल से रिलेटेड नेमिंग को ये जो कमेटीज़ जो हैं ये चेक करेंगी कि जो भी नेम जो दिया जा रहा है या फिर जो प्रपोज्ड नेम है उस ऑर्गेनिज्म का सर्टेन प्रोसीजर्स को फॉलो करके दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इसमी उसके बाद फर्दर ये वेलीडिएट कर देंगे कि ये ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड इस नेम से जाना जाएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू सो मच